हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा सातवीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। आज हम जो है आपका जो सेकंड चैप्टर था वसंत का, जिसका नाम है दादी माँ, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं उसको रिवाइज। दादी माँ चैप्टर एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर था, आप लोगों को याद होगा। और ये कहानी जो है शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित है। इस कहानी के लेखक अपने दादी माँ का वर्णन करते हैं, दादी माँ के बारे में हमको बताते हैं, उनके नरम गरम स्वभाव से हमको परिचित कराते हैं और अंत में एक दुखद घटना हमारे साथ शेयर करते हैं, जहाँ की उनको चिट्ठी मिलती है और उनको पता चलता है कि उनकी दादी माँ का जो है देहावसान हो गया है, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। और पलक झपकते ही वो सभी दादी माँ से जुड़ी यादें हमेशा के लिए यादें बनकर रह जाती हैं। ठीक है, तो मतलब लेखक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद ही कहा है कि वो बहुत मतलब लोग उनको बहुत कमज़ोर कह के उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो जो है मतलब बहुत होमसिक थे, घर की उनको याद आ जाती थी, बहुत जल्दी भावुक हो जाते थे और ज़रा सी कठिनाई में पड़ते ही उनका मन जो है अनमना हो जाता था। ठीक है, और उनकी जो दादी माँ थी वो उनसे बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी और उनको जो है अपनी मतलब उनकी दादी माँ को उनमें कोई खामी नज़र नहीं आती थी। अब लेखक को याद है कि बचपन में वो जो है बरसात के दिनों में गंद भरे जलों में कूदते थे और इस तरह से कभी कभी उनको तेज़ बुखार आ जाता था। जब उनको बुखार आता था तो दादी माँ जो है बार बार उनको लेप लगाती थी, उनको फिर दिन भर नींबू और मतलब साबू खाने को देती थी और बार बार उनका मतलब बुखार का जो है अंदाज़ा उनके माथे पर हाथ रख के करती और बिल्कुल भी उनके सिरहाने से तब तक नहीं हटती जब तक कि लेखक का टेम्परेचर जो है नॉर्मल तक ना आ जाए। ठीक है, वो उनका इतना देखभाल करती कि मतलब जैसे कि मतलब ऐसा शायद पेरेंट्स भी कभी कभी उनका भी धैर्य खो जाए, लेकिन दादी माँ का धैर्य नहीं खोता था। और दादी माँ बहुत नॉलेजेबल काइंड ऑफ पर्सन थी, उनको गवई गाँव के 50 किस्म के दवाओं के नाम, जो जैसे कि पत्तियाँ जड़ी बूटियों से बनने वाले, पता थे। और लोग जब बीमार पड़ते थे दादी माँ के पास दौड़े दौड़े आते थे और वो उनको दवा देकर ट्रीट भी करती थी। और वो ऐसी भी थी कि कभी कभी उनके घर पहुंच जाती थी उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, वो भी मुफ्त। ठीक है, और उनको गंदगी बहुत नापसंद थी। अब जब लेखक बीमार पड़ते तो वो उनके मतलब इच्छा अनुसार उनको खाना पीना देती और डॉक्टर की शक्ल देखते ही उसका बुखार भाग जाता और लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता। जब बहुत ज़्यादा बीमारी होती तो डॉक्टर को बुलाया जाता और ऐसा कांड होता। एक दोपहर दादी माँ जो है रामी की चाची को बहुत डांट रही थी और रामी की चाची को डांटते देख लेखक को बुरा भी लगा कि दादी माँ के जिस रूप से वो वाकिफ थे ये इससे बहुत अलग था, ये बहुत एक कठोर सा रूप था। वैसे दादी माँ कुछ ज़्यादा काम नहीं करती थी लेकिन उनके बिना कोई काम नहीं होता था, क्योंकि वो डायरेक्टर की तरह, निरीक्षिका की तरह, निर्देशिका की तरह सारे चीज़ों पर निरीक्षण करती, यानी इंस्पेक्शन करती और निर्देशन देती, यानी कि डायरेक्शन देती। तो उनके बिना कोई भी काम ठीक से सुसंपन्न नहीं हो पाता। ठीक है, तो रामी की चाची को वो जब डांट रहे थे तो लेखक को बहुत बुरा लगा। फिर पता चला कि रामी की चाची ने जो है उधारी वापस नहीं की थी और उनकी बेटी की शादी थी, तो वो कह रही थी कि मेरी बेटी के शादी के बाद मैं सब वापस कर दूँगी। तो तब तो जो है लेखक ने मतलब दादी माँ ने जो है रामी की चाची को डांट टपट कर भगा दिया, लेकिन बाद में उनको पता चला कि दादी माँ ने उनके बकाया पैसे तो माफ़ कर ही दिए और उनकी बेटी के शादी के लिए 10 रुपये देकर भी उनका जो है हौसला बढ़ाया, उनको हेल्प किया। तो वो ऐसी ही थी, कभी नरम कभी गर्म। और लेखक के जब किशन भैया की शादी थी तब लेखक को बुखार था, इसलिए वो बारात में नहीं गए, तो दादी माँ ने उनको अपने पास ही चारपाई पर सुला दिया।
अब विवाह का मौसम था, लड़कियों का जब फंक्शन हो रहा था तब सभी औरतें वहाँ आई थी, लेकिन दादी माँ ने उनको जो है छिपा के रख दिया था। उसके मामा का लड़का राघव देर से घर पहुँचने के कारण बारात में नहीं जा पाया और औरतों ने एतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। तो दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के को और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता है, वो इतनी प्रेममयी एक मूर्ति थी। दादाजी की मृत्यु का जो इंसिडेंट था इसने दादी माँ को तोड़कर एकदम झकझोर दिया था अंदर से। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनके शुभ चिंतकों ने ही उन्हें ठग दिया था। अब जब कोई अपना ठगता है तो जो टीस हृदय में पहुंचती है वो जो है काफ़ी बाहरी चोटों से ज़्यादा होती है, क्योंकि जब किसी अपने से हमको चोट लगती है तो मतलब, या जैसे यहाँ पे इस केस में हुआ कि उनके शुभचिंतक जो थे उन्होंने ही जब दादाजी के मृत्यु के बाद अपना असली रंग दिखाया तो कहीं ना कहीं जो है उनका स्वप्न भंग हुआ और उनको बहुत ठेस पहुँची। वो काफ़ी दुखी रहने लगे और फिर पैसे की थोड़ी बहुत तंगी भी होने लगी क्योंकि दादाजी की अचानक मृत्यु हो गई थी। तो दादी माँ ने जो है मतलब लेखक के पिताजी से, जो कि उनके पुत्र थे, उनसे कहा कि श्राद्ध में ज़्यादा खर्चा ना करें। लेकिन लेखक के पिताजी ने उनकी एक ना सुनी, उन्होंने बहुत धूमधाम से जो है दादी माँ के मतलब मना करने पर भी दादाजी का श्राद्ध जो है, मतलब उनके पिता के लेखक के पिता का जो श्राद्ध है उसका अनुष्ठान किया और नतीजन बहुत ज़्यादा उधार हो गया। अब एक दिन लेखक, जो उनकी दादी माँ को कभी भी रोते हुए नहीं देखते थे, उन्होंने देखा माघ माह की सर्दी में गीली धोती पहने अपने संदूक के पास एक दिया जलाए दादी माँ बहुत रो रही है। लेखक ने कारण पूछा तो दादी माँ तो बहुत स्ट्रांग थी इस सेंस में, तो उन्होंने कारण नहीं बताया और बोला चलो चलो तुमको खाना देती हूँ, मतलब इस तरह से उन्होंने बात को टाल दिया। लेकिन दादी माँ बहुत दुखी थी। फिर लेखक छोटे थे, उनको कारण तो तब पता नहीं चला। नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि जो है किशन भैया और लेखक के पिताजी दोनों बहुत अपसेट होकर बैठे हुए हैं। तो बाद में रीज़न ये पता चलता है कि पैसे का जुगाड़ कहीं से नहीं हो रहा। तब दादी माँ ने एक मतलब जो क्या बोले, जो हाउस का हेड होता है एक सच्चे कर्त्री की भांति, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है अपना सोने का कंगन संदूक से निकाला। इसीलिए वो संदूक के पास खड़ी दुखी खड़ी थी कि जो कंगन दादाजी की आखिरी निशानी थी, दादाजी मरे हुए दादाजी द्वारा दादी जी को दिया गया गिफ्ट था, उस कंगन को भी उन्होंने मोह माया त्याग करके, पहले उनको लगा कि पहले मतलब मन अपनी जगह लेकिन पहले जो है दुनियादारी, इसलिए उस कंगन को दे दिया कि इसको बेचकर उधारी को मिटाया जाए। इस प्रकार से दादी माँ की असंख्य यादों में पूरी तरह से लेखक जब डूब गया था तब उसके हाथ में किशन भैया का वो पत्र था जिसमें यह शोक संवाद लिखा हुआ था कि दादी माँ अब नहीं और हमेशा के लिए उनके इन यादों को अपने मन के कोठर में कैद करके वो जो है मतलब रहने लगे। और दादी माँ अब नहीं रही लेकिन उनकी दी गई सीख और उनका ये प्रभावशाली व्यक्तित्व लेखक को हमेशा गाइड करता रहा। आज के कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।